नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय विभाग के मंत्री और मध्य प्रदेश से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खट्टी आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हरिबाद आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के बीच समय बिताया। और उन्होंने बताया कि पूर्व में भोपाल से आते समय प्रदर्शन की बुजुर्ग महिलाओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया था। उसी समय से वृद्धाश्रम में आने का मन कर रहा था और इसी बीच प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को अलग अलग स्थानों पर जाने के निर्देश दिए थे और मुझे विदिशा जाने का निर्देश मिला। उन्होंने बुजुर्ग महिला पुरुषों के बीच अपना समय बिताया और वृद्धाश्रम को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करने की बात कही। और उन्होंने आश्रम में जिसकी क्षमता भी 25 सीटर है, उसे 50 सीटर करने की घोषणा भी की। आश्रम की समिति से उन्होंने जल्द ही प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से विभाग को भेजने की भी बात कही। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन सहित अन्य अधिकारी और पार्टी के पदाधिकारी, वृद्धाश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा, इंदिरा शर्मा मौजूद रहे। विदिशा जिला ब्यूरो, मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पुराना अस्पताल था, पुराना अस्पताल जब नए भवन में चला गया तो यहाँ पर इसके लिए स्थान उपलब्ध कराया गया। 25 सीटर छात्रावास है ये और इसमें संख्या काफ़ी यहाँ पर संख्या है, 48 की संख्या है। तो आपका जो 25 सीटर अभी जो शासन से स्वीकृत है, इसको 25 के स्थान पर अब 50 सीटर की अनुदान वो विभाग के द्वारा दिलाने के लिए मैं शीघ्र ही पहल करूँगा। और मैं अपने संचालक समिति के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना इस संबंध में और फाइल बनाकर डीएम महोदय जी के द्वारा हमारे मंत्रालय भिजवाई, मैं उसको आने वाले समय में शीघ्र उसको पूरा कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि वास्तव में जैसा बताया गया कि यहां पर बहुत सारे स्थानों के बच्चे जो है ना बसों से आते हैं, बहुत सारे युवा यहां पर शोध कार्य करने के लिए भी आते हैं और यहां आकर न केवल इस आश्रम को कैसे संचालित किया जा रहा है बल्कि उन सारी गतिविधियों का अध्ययन करके एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में कि उनके स्थान पर कैसे इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में जो प्रयास संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में और ये क्षण आते हैं जब उसको वृद्धावस्था के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं है, परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनके लिए श्री हरि वृद्धाश्रम जैसे संस्थान वास्तव में देश में एक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाकर जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और ये बच्चे जो यहाँ पर आते हैं वो देखकर जाते हैं, वो सब भी अपने मन में एक सेवा भावना का संकल्प लेकर यहाँ से जाते हैं। मैं आगे पुनः जब मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा तो मैं फिर आऊँगा, आकर आपके बीच में आपसे संपर्क भी करूँगा और मुझे यहाँ आने पर आत्मीय रूप से प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। बहुत बहुत आभार।